नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संडे के स्पेशल एपिसोड में। बहुत ही उत्साहवर्धक नतीजे, बहुत ही उत्साहवर्धक कमेंट्स हमको मिल रहे हैं संडे के एपिसोड के लिए। आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह आप अपने विचार हमसे शेयर करते रहें ताकि हम और भी बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपके लिए लेकर आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर देने से आप हमसे जुड़ जाते हैं, इसलिए ज़रूर करें। फ्रेंड्स, पिछले संडे जो हमने वीडियो शेयर किया था Q&A, उसमें बहुत सारे सवाल हमें मिले। नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक एक व्यक्ति का, लेकिन कुछ समस्याएं जो कि कॉमन थी, बहुत ज़्यादा लोगों की थी, वो हमने उसमें से शॉर्ट आउट की हैं और कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे से उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। संडे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम का इकट्ठा सोल्यूशन आपको मिल जाता है, लेकिन जिनको अगर जवाब नहीं मिल पाया है, नहीं कवर हुआ है जिनका क्वेश्चन, वो वापस से हमें कॉमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि उनके सवाल का भी हम जवाब दे सकें। कई सारी सहेलियों की प्रॉब्लम थी कि कॉन्टैक्ट के बाद यूरिन इन्फेक्शन होता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इस विषय पर मेरा डेडिकेटेड वीडियो है जिसको कि आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगी कि कई बार हमारे शरीर के बैक्टीरिया यूरिन पैसेज में भी संपर्क के बाद एंटर कर जाते हैं, अगर महिलाएं 5-10 मिनट बाद ही यूरिन पास नहीं करती हैं। इसीलिए संपर्क के बाद आप यूरिन पास करें ताकि यूरिन पैसेज में बैक्टीरिया ना बढ़े और आपको यूरिन इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जब तक इन्फेक्शन आपको रहता है कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। एक और खास सवाल जो बहुत सारी सहेलियों ने पूछा है कि वाइट डिस्चार्ज होता है, यूट्रस में सूजन है और फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है। हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो यूट्रस में, और इन्फेक्शन बहुत लंबे समय से भी हो सकता है, बहुत कम समय से भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए दो तरीके के उपाय किए जाने चाहिए डाइट थेरेपी से और लाइफस्टाइल में। सबसे पहले आप अपने शरीर का पीएच ठीक करें, जैसे कि एसिडिटी को दूर भगाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं, पानी ज़्यादा पिए, नींबू पानी को जगह दे रूटीन में, एक खट्टा फल रोज़ खाएं। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे और शरीर में आयरन और विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी आएगी। फैलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक हैं तो आपको अपने वजन पे चेक रखना होगा, थोड़ा प्रोटीन लें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और फर्टिलिटी मसाज जरूर करें। यूट्रस में सूजन के लिए एक स्पेशल ऑयल के बारे में मैंने अपने इस वीडियो में बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर इस वीडियो को देखें, समझें कि यूट्रस सूजन के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, जो कि फुल प्रूफ है, डेफिनेटली आराम होगा। लोगों को 17 साल बाद 15 साल बाद भी कंसीव हुआ है इन आइडियाज से, तो ये फुल प्रूफ है, अमेजिंग है, इन्हें रेगुलर आप फॉलो करें और बहुत पॉजिटिव रहें। लो एमएच की प्रॉब्लम भी कई लोगों ने पूछी है, तो लो एमएच के लिए स्टडीज ये बताती है, न्यूट्रिशन साइंस में ये बताया गया है कि विटामिन डी पर ध्यान दें। आप अपना टेस्ट करवाएं, विटामिन डी का प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, अगर 30 से कम आता है इंडेक्स तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से सलाह लेकर लेना चाहिए। विटामिन डी के लिए मैंने डाइट में जो भी चीज़ें बताई हैं, डेयरी, नट्स, नॉनवेज आइटम्स, इसके अलावा सनबाथ, उनको फॉलो करें, एमएच डेफिनेटली इंप्रूव होगा और स्ट्रेस कम लें, स्ट्रेस से बचें। अगला प्रॉब्लम है जो भी कई सहेलियों ने पूछा है, वो है ओवेरियन सिस्ट। तो ये बता दूं, ओवेरियन सिस्ट कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता भी नहीं चलता है, हमारे मंथली साइकिल में कई बार सिस्ट बनती है, डिजॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, अगर इसमें वाटर फिलिंग के अलावा ब्लड फिलिंग हो जाती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके लिए आपको मैग्नीशियम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आलमंड्स लेने हैं, एप्पल साइडर विनेगर लेना है, फर्टिलिटी मसाज करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, बटरफ्लाई आसन करना है, डेफिनेटली ये डिजॉल्व हो जाएगी और ओवरीज नेचुरल फंक्शन करने लग जाएंगी। लेकिन जो भी मैं वीडियो, जो भी विषय पर बात कर रही हूँ, उस विषय पर मेरी वीडियोज़ हैं जिसमें कि बहुत फोकस करके मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, तो आप उन्हें भी देखेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। उन सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, आई बटन में दिए होते हैं। अगला प्रमुख सवाल है इररेगुलर पीरियड्स, किसी को 15-15 दिन में आ जाता है, किसी को 3-3, 4-4 महीने तक नहीं आता। तो जिनको जल्दी जल्दी आता है उनको सौंफ का पानी लेना चाहिए सुबह खाली पेट, जिससे उनकी साइकिल रेगुलर हो जाएगी। 1 या 2 महीने लेते हैं तो उन्हें काफ़ी आराम हो जाएगा, उसके बाद डाइट और लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो वो बिगड़ेगा नहीं, दवा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनको 3-3, 4-4 महीने तक साल साल भर से पीरियड नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले एक बार जांचें ज़रूर करवाएं, क्योंकि संतुलित और सही तरीका यही है कि जांचें करवाएं, हार्मोन्स की कंडीशन क्या है, अर्ली मीनोपोज तो नहीं है आपके साथ में, 30 प्लस है, 35 प्लस है, तो बहुत ज़रूरी है जांच कराना। अगर अर्ली मीनोपोज की कंडीशन है तो मैंने एक सप्लीमेंट के बारे में बताया जो अर्ली मीनोपोज में आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अगर हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं तो एग बनना चालू होते हैं और आपको कंसीव होता है। तो इस वीडियो को आप देखें, फॉलो करें और अपनी जांचें ज़रूर करवाएं अपने डॉक्टर से। थोड़ा प्रोटीन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, तो अपने प्रोटीन इंटेक पर पूरा ध्यान दें। अगला इशू है कि थायराइड में प्रेग्नेंट होना कठिन है,
और दूसरा थायराइड में पीरियड डिस्टर्ब हो जा रहा है, किसी को जल्दी आ रहा है, किसी को बहुत टाइम तक नहीं आ रहे हैं। तो देखिए थायराइड ग्लैंड का काम है कि पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। डिस्टर्ब है, अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, मोस्टली हाइपोथायराइड देखा जाता है, अंडर एक्टिव थायराइड देखा जाता है। तो इसमें हैवी पीरियड्स आना, बहुत ज्यादा क्रैम्प होना और कंसीव ना हो पाना, अर्ली मिसकैरेज, केमिकल प्रेगनेंसी, एग क्वालिटी पुअर होना, ये इश्यूज आती हैं महिलाओं को। तो ऐसे में आप अपने थायराइड के स्तर को सीमा में लाएं, 2.5 से 4 के बीच अगर आप ले आते हैं अपना TSH का स्तर, तो ऐसे में बहुत आसानी से प्रेगनेंसी होगी और मिसकैरेज का रिस्क भी कम होगा। उसके लिए क्या करें, तो अगर आपको थायराइड है, अंडर एक्टिव थायराइड है, तो आप लेगअप द वॉल पोजिशन कर सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए क्योंकि मेटाबोलिज्म स्लो है इसमें, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मत खाइए नहीं तो पेट पर चर्बी हो जाएगी, आपको मोटापा चढ़ जाएगा। थोड़ा प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, खासतौर से प्लांट प्रोटीन, जैसे स्प्राउट्स हो गया, इडली डोसा हो गया, फर्मेंटेड फूड आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक होते हैं। फल सब्जियों का सेवन अधिक करें बजाय कि अनाज के। मिलेट्स का अगर सेवन करेंगे तो थायराइड आपको पता ही नहीं चलेगा, हमेशा संतुलित रहेगी। तो कुछ डाइट के आइडियाज हैं जो कि थायराइड में बहुत हेल्प करते हैं, फ्लैक्सीड, वॉलनट्स, चिया सीड्स में से कोई एक चीज, आप ओमेगा 3 का सोर्स हमेशा ले सकते हैं, उससे थायराइड काफी ठीक रहती है, उसकी फंक्शनिंग ठीक रहती है। आप एग भी खा सकते हैं, और अगर थायराइड का लेवल आपने कंट्रोल में कर लिया, सीमित सीमा में है, तो ना पीरियड्स बिगड़ेंगे और ना ही प्रेगनेंसी में इश्यू आएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को एक नई दिशा मिली होगी और काफ़ी पॉजिटिविटी मिली होगी, जिससे कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, डाइट थेरेपी अमेजिंग है दवाइयों से कहीं ज़्यादा बढ़ के, क्योंकि दवाइयाँ जब आप बंद कर देते हैं तो प्रॉब्लम वापस होती है, लेकिन डाइट थेरेपी ऐसी चीज़ है कि जो आपने अपना लिया एक बार, तो शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और आप जीवन का आनंद ले पाते हैं। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।